हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सानी। डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मिशन 2020 हम लेके चल रहे हैं और पूरी एनर्जी के साथ में आप दोबारा से लग जाइए। जो भी कुछ हुआ है, जैसा पेपर गया है, अब उसको भूल जाइए। कुछ भी चेंज होने नहीं वाला है। देखिए, लाइफ में जो कुछ चला गया और वो वापस तो आने वाला है नहीं, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। बस इतनी सी बात है, एक चीज जो हमेशा हमें बैलेंस करनी पड़ेगी और अपने एक्सपीरियंसेस से निकाल कर लेके आनी पड़ेगी कि डिप्रेस तो होना नहीं है, ठीक है, और आपकी जो लर्निंग है वो उससे होनी चाहिए। लर्निंग के लिए पूरा अपना एनालाइज करो। मैंने आपको पूरा पेपर एनालाइज करके बता दिया है प्रीलिम्स का, और क्या क्या कमियां रही वो आप एक एक क्वेश्चन में कंपेयर कर लीजिए कि किस तरह से आपने नहीं पढ़ा था और क्यों वो फेलियर हमारा रहा। और नेक्स्ट बात उसकी ये है कि आप कोई भी दुनिया में जिंदगी में बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो, इसका मतलब वो क्या है, वो एक लड़ाई है, उसमें आपको बीट करना है उसको। और बीट करना तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप अगले से और ज्यादा मजबूत होगे और आपके पास स्किल्स और मजबूत होंगी। तो इस एग्जाम को, इस दुश्मन को आपको अगर बीट करना है तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा, और कमजोर रह के, डिप्रेस रह के कभी आपको लड़ाई जीत नहीं पाओगे। तो चाहे कंडीशन लाख बुरी हो, लाख नेगेटिव हो, लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं डिगने देनी है। आपको बस ये याद रखना है कि एक बार मुझे इसमें पास होना है, और उससे पहले कितने भी मतलब पुशबैक्स आए, मुझे मतलब इस तरह का कोई प्रेशर आए, कोई कुछ भी बोले, आपको बिल्कुल नंब हो जाना है और जो अचीवमेंट हो रहा है वो लगातार करना है आपको। एकदम ये वैसे ही है जैसे आप तूफान में चलते हो ना, तो लगातार आपके ऊपर सामने से हवा आती है, लेकिन फिर भी आप चलते जाते हो। उस टाइम पर आप ये नहीं सोचते हो कि मेरा रास्ता सही है कि नहीं है, बस आप सीधा चलते हो, और सीधा चलते हो तभी आप टिक पाते हो। आप थोड़ा सा इधर उधर हुए तो हवा आपको उड़ा ले जाएगी। तो एकदम वैसा ही है, आपको कंट्रोल अपने आप को करना पड़ेगा और सीधा चलना पड़ेगा। और ये रास्ता हमें पता है कि कैसे करना है, और डेली हमें इसमें एडिशन करना है। 4 जून आज हो चुका है और स्टार्ट करते हैं, और डेट भी आ गई, आपको पता ही है 31 मई होगी इसकी डेट। और जैसा लग भी रहा था, यूपीएससी पहले भी मई में ही होता था प्रीलिम्स का, और अभी दोबारा से मई में फिर से पहुंच गया है। तो पूरा साल है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हो। पेन ड्राइव कोर्सेज सारे के सारे हैं, और इन जो लेसन्स आ रहे हैं, कोई भी अगर आपको कमी लगती है तो आप डेली बताया कीजिए। हमारा एम यही रहेगा कि हर दिन हम इसमें इंप्रूवमेंट करें और उस लेवल पे हम आए कि हाँ मैक्सिमम हेल्प हमें मिल पाए। और क्वेश्चंस जैसे पूछ रहे हैं घुमा फिरा के अंदर से, और कोई स्पेसिफिक चीज़ें पूछते हैं, डिटेल में घुसते हैं, तो वो चीज़ हमें ऐसी परफेक्ट करनी है कि हमारा टारगेट ये होगा कि कम से कम 60% जो प्रीलिम्स का पेपर है ना, 60% वो एक तो इन क्वेश्चन से आना चाहिए, और उसके ऊपर आपकी कमांड तगड़ी हो। 60% क्वेश्चन के ऊपर एकदम तगड़ी कमांड होगी, तब जाके प्रीलिम्स निकलेगा। और ये आपको मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इसके ऊपर ही होना चाहिए, इसके कम नहीं होना चाहिए। 60% मान के चलिए, पेपर टफ आता है तो, जैसा पेपर अभी लगातार चल रहा है, तो 60% के आसपास रहेगा, ठीक है। और ये कमांड हमें डेवलप करनी है, तो ये हमारा टारगेट है, इसके लिए हमें काम करना है। और ये फेसबुक का ग्रुप है जहाँ पर आपको PDF मिल जाती है, और इसके ऊपर टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कॉपर होर्ड कल्चर नाम बहुत आता है, और आपको पता है कॉपर जो है वो चालकोलिथिक एज है, और वो सबसे पहले मानी जाती है सोने चांदी लोहे से पहले कॉपर की खोज इंसान ने की थी, ये अभी तक का नॉलेज है। और कॉपर होर्ड कल्चर था, होर्ड मतलब इकट्ठा करना, कॉपर होर्ड कल्चर डिस्क्राइब्ड फाइन कॉम्प्लेक्सेस विच अकर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होते थे, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं मिलते हैं। और ये जो दुआब रीजन है उसमें काफ़ी मिलता था, और नॉर्दर्न ईस्टर्न राजस्थान और वहाँ से लेकर पंजाब रीजन, इधर जो पाकिस्तान का है, यहाँ तक ये मिलता था। अब दुआब होर्ड जो है वो ओकर कलर्ड, मतलब कि जो ईंट का जो रेड कलर का जो कलर होता है वो वाला, उस कलर की पॉटरी से एसोसिएटेड होते हैं, बिल्कुल सही है। लेट हड़प्पन या पोस्ट अर्बन फेज, क्योंकि हड़प्पन जो थी वो अर्बन फेज थी, याद रखना आपको। हड़प्पन फेज में कहीं पर भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि वहां पर सिटीज नहीं थी, वहां पर सिटीज ज्यादा थी, और विलेजेस का कोई बड़ा एविडेंस नहीं मिलता है, और जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है वो सिटी के रूप में थे। ये बड़ा ही गजब की बात है, और इसका मतलब वो ही बड़ा ही एडवांस्ड लोग थे जो इंडस वैली के अंदर थे, तो हड़प्पन कल्चर उसको बोलते हैं। ओकर कलर पॉटरी जो है वो प्री हड़प्पन फेज में इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स में थी, नहीं प्री हड़प्पन नहीं है, पोस्ट हड़प्पन में थी, तो ये वैसे भी उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसमें सेकंड सही हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। यहां पर देखिए कॉपर हॉट जो है वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में मानते हैं उसको, क्योंकि एक साथ मतलब कई सारे वो मिलते थे, बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हुए, कोई मतलब उसमें टूल्स है, कोई उसमें ह्यूमन फिगर कुछ इस तरह की मिलती थी, कुछ पर्टिकुलर और डिजाइन वगैरह मिलती थी, तो एक साथ इकट्ठे मिलते थे, इसका मतलब उसका होर्डिंग होती थी, हर घर में कई सारी चीजें होती थी कॉपर की, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये मिलता था, और ये लार्ज और स्मॉल सब तरह के साइज में होते थे, तो ये भी स्पेसिफिक चीजें यूपीएससी पूछता है। और सेकेंड मिलेनियम बीसी इस टाइम पर, जिस टाइम पर ये एंड होती दिख रही थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो उस टाइम पर ये मिलता है, उस टाइम का इनका बताया गया है डेट, ठीक है, पीरियड जो है। और
एंथ्रोपोमॉर्फ, एंथ्रोपोमॉर्फ का मतलब है, देखिए पहले पिक्चर देखिए, ये इस तरह से, ये एंथ्रोपोमॉर्फ इसको बोल सकते हैं कि मतलब इंसान की डिजाइन में कुछ इस तरह के, जैसे जो हरियाणा में रेवाड़ी है वहां पर इस तरह का ये मिला था, ये बहुत फेमस है, और ऐसे जैसे ये छल्ले से हैं, ये बहुत फेमस है। कॉपर निकलता था, कहां पर निकलता था, देखिए याद रखिए, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट जो कॉपर माइनिंग का जो एरिया है, राजस्थान के नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये देखिए यहां पर, ये राजस्थान की बाउंड्री है, ठीक है, ये राजस्थान है, और ये जयपुर यहां पर है, और इसके पास ही गणेश और जोधपुर एक तो कल्चर था, एक तो यहां पर जो अरावली रेंज जो मिलती है सारी पुरानी जो रेंज है, और सबसे ओल्डेस्ट पहाड़ों में दुनिया में आती है अरावली, यहां पर ही मिलता है, इसके पास ही, और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झुंझुनू, और इसमें खेतड़ी नाम की जगह है, और खेतड़ी के राजा भी थे जिन्होंने विवेकानंद को भेजा था शिकागो में, तो यहां पर सबसे ज्यादा माइनिंग होती है, तो कोलिहान खेतड़ी ये सारे जो एरियाज हैं यहां पर कॉपर निकलता था, और इस अरावली रेंज के अंदर ही कॉपर मेनली मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है उसका बहुत बड़ा प्लांट यहां पर चलता है, ठीक है, तो ये सेम एरिया है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये मेरा बर्थ प्लेस भी है, तो इसके बारे में पूरा नॉलेज मैं रखता हूं, तो ये यहां से इस सेंटर को आप याद रखिए यहां से, और कॉपर सब जगह जाता था, तो ये जो कॉपर फोर्ड कल्चर जो था वो यहां पर काफी मिलता था इसी एरिया में, इसके ऊपर नॉर्थ में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, इसी एरिया में सारा ये कॉपर फोर्ड कल्चर मिलता था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें एंथ्रोपोमॉर्फ जो है मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जो एंथ्रो मतलब ह्यूमन से रिलेटेड, तो एंथ्रोमॉर्फ ये वहां पर एक्सकेवेट हुए थे, और ये लोथल जो है हरियाणा में पड़ता है, और साईपाई लिछवाई और इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यूपी के अंदर, और ये सारा कौन सा रीजन है, ये यमुना और गंगा के बीच का रीजन है, और ये इटावा भी उधर जाके यमुना के पास ही पड़ता है, और क्लोजली एसोसिएटेड विद द लेट हड़प्पन फेज पोस्ट अर्बन फेज। हड़प्पा में एक तो प्री हड़प्पन है जो कि बिल्कुल ऐसे अनडेवलप्ड सा कुछ मतलब फेज मिलता है, उसमें कोई सिटीज वगैरह ज्यादा प्रोमिनेंटली नहीं मिलती है, फिर एक मेच्योर हड़प्पन आया था उसमें सारी सिटीज थी, ये जितनी भी है कोडीजी और जो हड़प्पा है और मोहनजोदारो है ये सारी उस टाइम पर डेवलप हुई थी, मेच्योर हड़प्पन था, फिर उसके बाद आया लेट हड़प्पन, ठीक है, और उसके बाद ये पोस्ट हड़प्पन वाला ये जो फेज था, और इस टाइम पर इसका मानते हैं कि ये डेवलप हुआ था, ठीक है, उसके बाद एक गैप मिलता है, और उस गैप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कोई नहीं जानता, और उसके बाद में वैदिक एज स्टार्ट होती है उसके 400-500 साल के बाद में, तो ये एक गैप है और ये सारा नॉलेज है, ठीक है। तो हमने कॉपर हॉर्ड के बारे में पढ़ा और ऑकर करड़ के बारे में भी पढ़ा, ये गणेश व जोधपुरा कल्चर याद रखना, और ये भी कॉपर हॉर्ड कल्चर ही था, ये राजस्थान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, जयपुर के नॉर्थ में पड़ता है, और सदर्न राजस्थान में ये जो उदयपुर और ये जो रीजन है जो गुजरात और मध्य प्रदेश से लगता है ये वाला जो रीजन है यहां पर भी, और अरावली रेंज आती है क्योंकि अरावली रेंज इस तरह से डिजाइन में चलती है ऐसे डायगोनल है, तो यहां पर भी अरावली रेंज ही है, उसके पास पास में यहां कौन सी सिटी है फेमस, उदयपुर सिटी है, और वैसे इस रीजन को क्या बोलते हैं, मेवाड़ रीजन बोलते हैं, MEWR मेवाड़, मारवाड़ जोधपुर वाला है ये मारवाड़ कहलाता है, और यहां पर आहड़ और बनास कल्चर था, ये भी वही 2000-3000 BC वाला पीरियड है, ठीक है, आहड़ बनास कल्चर, और यहां पर लोगों को इस कॉपर की जानकारी थी, और भी यहां पर मेटल्स वगैरह जैसे गोल्ड वगैरह की इनके रिगार्डिंग भी बहुत गजब की नॉलेज होती है, एक ठेवा कल्चर के नाम से आता है, ठेवा आर्ट है, मतलब THEVA, ये ठेवा आर्ट क्या होती है, गोल्ड की मतलब उसको कूट कूट के उसकी डिजाइन बनाते हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली है वो उसी ने उसको आगे तक बढ़ाया है, तो वो ठेवा आर्ट है, वो बहुत फेमस क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का, तो वो भी इसी एरिया का है, ठीक है। जैन मुनि, जैन धर्म के भी बहुत सारे जो जैसे जो स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए हैं, मंदिर वगैरह हैं, जैसे सिरोही में, नाथद्वारा में, ये सारे भी इसी आसपास के एरिया रीजन में ही हैं, तो यहीं पर आहड़ बनास कल्चर था, तो ये रीजन है और गणेश्वर जोधपुरा, ये दो आपको याद रखने हैं जो कि कॉपर होर्ड से रिलेटेड थे, और ये मेच्योर हड़प्पन के बाद का ये फेज था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऑकर कलर पॉटरी, अब देखिए सेकेंड मिलेनियम BC ब्रॉन्ज एज जो बोलते हैं, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, मतलब कि पीतल की एज, और उससे जस्ट पहले क्या थी, चालकोलिथिक एज, मतलब कि जहां पर कॉपर मिलता था, तो कॉपर जो है वो उसका प्रीडेट करता, मतलब कॉपर पहले मिलता था इंडस वैली से, लेकिन बाद में भी इसका यूज होता था, इसलिए लेट हड़प्पन टाइम तक आते आते कॉपर के होर्ड कल्चर हो गया था, कि मतलब पहले कॉपर की जानकारी इससे पहले आ गई थी इंडस वैली से, लेकिन इंडस वैली जब एंड हुई तब तक वो कॉपर में इतना एक्सपर्ट हो चुके थे कि बहुत सारे यूटेंसिल्स वगैरह बनाते थे और उसकी होर्डिंग भी होती थी हर घर के अंदर, तो इस तरह से वो कल्चर मिला था, तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में मिलता था, थोड़ा सा ईस्ट साइड में ज्यादा मिलता था ओकर कलर्ड, और ईस्टर्न पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक ये सारा मिलता था। तो ये देखिए यहां पर कॉपर होर्ड है, ये सेमेट्री एच है, सेमेट्री एच का मतलब ये है कि ये एच शेप में सिटी मिली थी, ठीक है, और यहां पर कुछ सेमेट्रीज मिली थी, मतलब लोगों की जो ग्रेवयार्ड्स होती हैं वो मिली थी
इस जगह पर उसके नाम पे इसका सेमेट्री एच कल्चर पड़ गया और ये हड़प्पन कल्चर ही था एक तरह से, ठीक है। और ये पेंटेड ग्रेवेयर पीजीडब्ल्यू जो बाद में डेवलप हुए थे 1000 BC के आसपास, वो और ईस्ट में जाके इस कॉपर होर्ड के भी ईस्ट में मिलता है, ठीक है। तो ये कॉपर होर्ड इस पेंटेड ग्रेवेयर के डेवलप होने के पहले आया था, मतलब ये तो 1000 BC के आसपास डेवलप हुआ था पीजीडब्ल्यू कल्चर, इससे पहले कॉपर होर्ड था, इससे पहले था, और ये 2000 BC के आसपास था, 2000 या 1500 BC मान सकते हैं, अलग अलग दिया हुआ होता है, तो ये इससे पहले था। इसका मतलब जो नई जो चीजें आई ना वो इस ईस्टर्न पार्ट की तरफ बढ़ती गई, यूपी बिहार की तरफ बढ़ती गई। सबसे पहले सिमेट्री एच कल्चर मिलता है जो मेच्योर हड़प्पन है, उसके बाद में कॉपर होर्ड मिलता है जो उसके बाद लेट वाले में मिला, और उसके बाद में वाले टाइम में पीजीडब्ल्यू वगैरह ये डेवलप हुए जहां पर लोहा वगैरह भी मिलने लग गया था, और ये 1000 BC के आसपास हुआ और ईस्टर्न पार्ट में हुआ, मतलब यूपी वाले रीजन में हुआ, और फिर आगे बढ़ते ही गए थे, ठीक है, ये सबको पता है। उसके बाद में जब वो मगध वाली सिविलाइजेशन और ये सब स्टार्ट हुई थी, और वो सब 600 BC के आसपास स्टार्ट हुआ था, जो 16 महाजनपद जो आए थे वो 600 BC के आसपास मिलते हैं, तो वो जाके बिहार में मिलते हैं, तो इसका मतलब ये 300-400 साल में और ईस्ट में चले गए थे बिहार की तरफ, तो ऐसे डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। और वैदिक कल्चर स्टार्ट होता है आपको बताइए 1500 BC के आसपास होता है, और शुरुआत में फिर प्री वैदिक था, उसके बाद में मेच्योर वैदिक आ गया, 1000 BC के आसपास काफी मेच्योर था, तो ये इसका सारा नॉलेज है। ऑकर कलर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑकर जो होता है वो ईंट का कलर होता है रेड रेड सा, तो रेड रेड कलर की पॉटरी होती थी, लेकिन जब उसको ये खुदाई करते थे जो ये जो मतलब ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह और ये जो पैलियो जो जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी वाले, तो ये उसको खोदते थे तो उनकी उंगलियां जो है वो रेड पड़ जाती थी, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ा था ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर, तो ये आपको याद रखना है। और दुआब रीजन जो है वो इससे रिलेटेड है, ये सिमेट्री एच कल्चर है जो इस तरह के मिलते थे, देखिए ये वही है मिट्टी वाले बर्तन जो नॉर्मली मटके आप देखते हो ना कई बार रोड साइड पे, वैसे ही हैं लेकिन थोड़े से डेवलप थे और इस पे डिजाइन वगैरह बनी होती थी, और ये ब्लैक कलर आज तक ये चीज ऐसी कैसी चलती है। अब नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऐसे मटके जो है वो गाँव के अंदर आपको मिल जाएंगे इसी डिजाइन में इस तरह से बनाते हुए, ये बहुत पुराना सिस्टम है। और ऑकर कलर्ड पॉटरी जो है वो ऐसी होती थी थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा रेडिश कलर भी होता था और ये भी होता था, तो ये ऑकर कलर्ड पॉटरी के वो मिले थे। और ये देखिए जो OCP साइट्स जो हैं जो काफी और ईस्ट में मिली थी उनका हड़प्पन कल्चर से कोई रिलेशन नहीं मिलता है, देखिए यहां पर आप देखिए इस पिक्चर में ये ऑकर कलर्ड यहां पर आई थी, इस जगह पर आई थी, और ये इधर था इंडस वैली का सारा सिस्टम, तो ये बहुत पहले का सिस्टम था, और ये ऑकर कलर आई थी इसके 1000 BC के बाद में, मतलब 1000 साल के बाद में, तो इसका कोई रिलेशन इससे डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। आयरन एज जो थी, आयरन पता ही आपको कि 1000 BC के आसपास उन्होंने ढूंढा था, इंडिया में उसके एविडेंस मिलते हैं 1000 BC के आसपास, तो उस टाइम पर वैदिक एज चल रहा था और ब्लैक और रेड वेयर कल्चर भी स्टार्ट हो गया था। ये किसका कल्चर था, ये इन्हीं मटकों का, और ये जो अभी मैंने पिक्चर आपको दिखाई तो ये रेड वेयर कल्चर चला था, उसके बाद में पेंटेड ग्रे वेयर आए थे, पीजीडब्ल्यू उसके बाद में आया था, ठीक है, ये देखिए इसके बाद आया था, और इससे पहले रेड एंड वेयर कल्चर आ गया था, ब्लैक एंड रेड वेयर या फिर रेड एंड ब्लैक भी इसको बोलते हैं, तो ये पहले आया था, ये बाद में आया था, सबसे लेटेस्ट पीजीडब्ल्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन, अब इसमें आपको मैच मेकिंग करनी है, देखिए सेन किंग नहीं ये बाद में आए थे उस टाइम पर, ये खारवेल किंग जो थे ये बीसीज में था, ठीक है, तो खारवेल किंग जो था उसके टाइम का हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन, इसका क्वेश्चन आता है कि आप क्रोनोलॉजी वाइज सेट कीजिए, तो हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन जो मिलता है वो हाथी गुंफा केव्स है वहां पर उदयगिरी के अंदर उड़ीसा के अंदर वहां पर मिलता है, खारवेल किंग से एसोसिएटेड है, उसके 13वें राइन के साल के अंदर, मतलब उसके राज्य के 13वें साल के अंदर ये लिखा गया था, और जो इसकी स्क्रिप्ट थी वो पुरानी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो कि बहुत मुश्किल है। जूनागढ़ जो है वो कुशाण किंग के रिगार्डिंग नहीं बताता, क्योंकि जूनागढ़ कहां पर है, जूनागढ़ तो काठियावाड़ पेनिनसुला के अंदर है, काठियावाड़ पेनिनसुला कहां है, जो गुजरात है, गुजरात का नीचे वाला जो है ना, ये सही नहीं बना है, ये गुजरात का जो नीचे वाला ये काठियावाड़ पेनिनसुला कहलाता है, यहां पर जूनागढ़ किंगडम था जहां पर एशियाटिक लॉयन की वो है नेशनल पार्क भी है, ठीक है, वो आपको याद ही होगा, तो वहीं पर एशियाटिक लॉयन मिलता है। और नानाघाट इंस्क्रिप्शन ये सातवान किंग के बारे में बताता है, ये बिल्कुल सही है। और पंचतार स्टोन इंस्क्रिप्शन ये कुशाण किंग के बारे में बताता है, कुशाण किंग मेनली कश्मीर वाले रीजन के अंदर POK वाला जो रीजन है इधर ये आए थे, तो इधर ही पंचजर जो है स्टोन इंस्क्रिप्शन ये मिलता है, तो 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए हाथी गुंफा केव्स हैं, एकदम ऐसे बनी हुई थी, बड़ी ही शानदार तरीके से बनाई गई थी, और इसके अंदर यहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिलती है, मतलब कि कुछ दीवार पर लिखे निकल गए वो लोग, पता नहीं क्या लिख गए, वो समझ में आता नहीं है, लेकिन वो गजब की चीज थी कि उदयगिरी हिल्स यहाँ पर है, और इसी के पास ही अशोका के जो कुछ वो मिलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन, तो वो भी इससे कुछ ही दूरी पर है, ये है वो
इंस्क्रिप्शन, जो कुछ स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ था और ये एंशियंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी और सेकंड सेंचुरी बीसी में कलिंग ये एरिया पड़ता था, ओडिशा वाला कलिंग एरिया पड़ता था, आपको पता ही है अशोका भी यहीं पर हुआ था और यहाँ खारवेल किंगडम था अशोका के बाद में, तो खारवेल किंग जो था उसके टाइम पर ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। एलिफेंटा केव भी इसको बोलते हैं, सॉरी एलिफेंट केव, एलिफेंटा नहीं, एलिफेंट केव बोलते हैं या फिर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। इसको हाथी गुम्फा मतलब कि गुफा को ही गुम्फा बोल देते हैं। और ये प्राकृत सेंट्रल वेस्टर्न फॉर्म ऑफ प्राकृत इंसाइज इन अ डीप कट ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो प्राकृत तो थी लैंग्वेज, जैसे हिंदी तो लैंग्वेज होती है और देवनागरी उसकी क्या है, स्क्रिप्ट है, लिपि है, तो ये भाषा है, ये लिपि है, तो भाषा प्राकृत होती थी और ये ब्राह्मी इसकी लिपि होती थी। प्राकृत का क्या मतलब है, प्राकृत निकला वर्ड प्रकृति से, इसका मतलब जो एकदम नेचुरल प्रकृति से जो कुछ शुरुआत में जो राइटिंग्स और लैंग्वेज निकलती थी उसको प्राकृत माना गया और वो शुरुआत में बोली जाती थी। उसके बाद में उसके कई डायलेक्ट आ गए, जैसे मगधी डायलेक्ट आ गया, अलग से आ गया, उसकी लिपि ब्राह्मी लिपि आ गई और बाद में इन्हीं से आगे जाके फिर अपभ्रंश पता नहीं क्या क्या निकली थी आगे जाके, और संस्कृत वगैरह ये सब जो तो थी ही। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और रॉक एडिक्ट हैं अशोका के धौली के अंदर, धौली इससे और 6 miles दूर ही है और उसकी तरफ ये मुंह करके बनाई गई है हाथी गुम्फा केव्स, जैसे इसको देख रही हूँ। और ये कलिंग अल्फाबेट के अंदर मतलब इसको बोलते हैं कि इस तरह का ये जो डिजाइन है अल्फाबेट्स का ये स्पेसिफिक था, तो कलिंग अल्फाबेट इनको बोलते हैं। ये मोस्ट आर्काइक फॉर्म था क्योंकि सेकंड सेंचुरी बीसी का है, बहुत पुराना, तो ये क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। खारवेल किंग को याद रखना, सेकंड बीसी में ये था, सेकंड बीसी से फर्स्ट सेंचुरी सीई तक मेनली खारवेल किंगडम था। और ये जो है कुषाण के रिगार्डिंग, कुषाणों से पहले आए थे पहलवाज और शकाज, शक और पहलवा, पहलवा आए फिर शक आए, उसके बाद में आए कुषाण। अब कुषाण के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा तो कॉइन्स से नॉलेज मिलती है क्योंकि उन्होंने गोल्ड कॉइन्स चलाए थे इंडिया के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमिस्मेटिक्स सबसे बड़ा एविडेंस है इनका। इसके अलावा एपिग्राफिक एविडेंस भी है, लिटररी भी है, और मतलब ये ट्रेड मतलब जो लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, एपिग्राफी मतलब जहां पर कोई स्टोन वगैरह के ऊपर लिखी हुई कुछ इस तरह की बातें हैं, न्यूमिस्मेटिक्स मतलब सिक्के। तो ये इंडिजिनस एक इनका पार्टली सिस्टम था, मतलब आधे तो यहाँ का लोकल मिलता है उसके अंदर कुछ इन्फ्लुएंस, आधा जो है वो फॉरेन का मिलता है, जैसे कि रोमन वाला कल्चर का उसमें इन्फ्लुएंस मिलता है, ठीक है। तो ये कई तरह के कन्फ्यूजन भी करता है, पूरा क्लियरिटी से नहीं पता कुषाणों के बारे में ज़्यादा, लेकिन लिमिटेड पता है हमें, लेकिन जो भी पता है वो सिक्कों से पता लगता है। तो कॉइंस जो है वो क्लियर आइडिया देते हैं उनके रिलीजन के बारे में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, रिलीजन के बारे में कॉइंस जानकारी देते थे, एक उनकी क्रोनोलॉजी मतलब उनका टाइम जो था उस टाइम पर उसकी नॉलेज देते हैं कि कौन सा वो टाइम था, कौन से टाइम में वो थे, तो उसके बारे में नॉलेज देते हैं। दूसरा, रोमन इन्फ्लुएंस मिलता है उन सिक्कों के अंदर, उनके डिजाइन के अंदर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा कौन से सोर्स हैं जो कि कुषाणों को मेंशन करते हैं, इंडिजिनस लिटरेचर जैसे कि पुराण है उनके बारे में, उनके अंदर मिलता है, और कल्हण की जो रास्ता रंगिणी है जो बहुत शानदार डॉक्यूमेंट है कश्मीर की हिस्ट्री का, पूरा मतलब 11th सेंचुरी के आगे का सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो कल्हण की राजतरंगिणी है, कल्हण उसके राइटर है, राजतरंगिणी उसका नाम है जहां पर सारा, और क्रोनोलॉजी है वहां के किंग्स की, तो उसमें भी उसका मेंशन मिलता है। अश्वघोष की बुद्ध चरित मानस जो आती है उसके अंदर भी इसका मेंशन है, कुमार लता की कल्पना मंडिका इसमें भी मिलता है, ऐसे ही नागार्जुन जो एक बुद्धिस्ट सेंट थे, वो जो बुद्धिस्ट राइटर थे, उनकी है माध्यमिक सूत्रा, तो माध्यमिक सूत्रा के अंदर भी और कुषाण का मेंशन मिलता है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो कुषाणों के बारे में हमें बताती हैं, तो आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि कुषाणों का जो है सोर्स क्या क्या है जो जहां से पता लगता है, तो ये इतने सारे सोर्स हैं, और न्यूमिस्मेटिक्स अलग है, सिक्के अलग है। और देखिए पंचर इंस्क्रिप्शन जो है वहां पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक कुषाण किंग था, और वो अधिकतर ये माना यही गया ओपिनियन के हिसाब से कि कुजुला कार्डफिसेस जो किंग था उसके बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है। और ये वाला रीजन आप देखिए, ये कश्मीर से ऊपर वाला ये वाला रीजन था कि इधर से मेनली इनका आना हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर जो है ये अफगानिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था और पाकिस्तान वाला सारा इंडिया का ही पार्ट था, तो यहाँ पर मेनली ये मिलते थे। और इधर से देखिए रोमन इन्फ्लुएंस वेस्ट साइड से आता था, और चाइनीज भी कुछ इन्फ्लुएंस इनका ऊपर था, क्योंकि चाइनीज सोर्सेज के अंदर भी कुषाणों के बारे में बोला गया है। उनके हिसाब से कुषाण जो है वो एक यूची ब्रांच के लोग थे, जो यूची वहां ब्रांच चाइना में होती थी उसी के ब्रांच के लोग थे और इधर से आए थे, चाइना का कहना तो ये है। और कुछ लोग कहते हैं कि बैक्ट्रिया जो ये वाला पार्ट था, बैक्ट्रिया ये वाला पार्ट कहलाता है, यहां से ये लोग आए थे, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके रिगार्डिंग मत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणास के बारे में, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ब्राह्मणास जो है फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन देने वाले लोग नहीं होते थे, ये गलत है। ब्राह्मणास तो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज होती थी जो कि उसकी फिलोसफी के बारे में बात करती थी, वेदों के अंदर जो लिखा हुआ था, हर वेद के पास साथ में कई ब्राह्मणास अटैच होते थे, ये बात दूसरा सही है, पहला इसमें गलत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है और ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये कलेक्शन है एंशियंट इंडियन टेक्स्ट का जो कि कमेंट्रीज हैं, किसके बारे में,
जो हिम्स जो दे रखे हैं, जो वेदों के अंदर जो लिखी गई हैं, जो सारे श्लोक वगैरह लिखे गए हैं उनकी कमेंटरीज हैं, और वैदिक संस्कृत टेक्स्ट हैं, ठीक है, वैदिक संस्कृत के अंदर लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है लैंग्वेज इनकी, और हिंदू श्रुति लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, श्रुति मतलब जो सुना जाता है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और ये जो हैं ये मिथ्स को बारे में, कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं, कुछ लेजेंड्स के बारे में बात करते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन है वैदिक रिचुअल्स की, तो रिचुअल्स इंपॉर्टेंट बात है, ब्राह्मणास से एसोसिएटेड रिचुअल्स की काफी बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, और जो फिलोसफी का एस्पेक्ट है उसके बारे में भी ये बताते हैं, लेकिन फिलोसफी के बारे में अरण्यक्स भी बताते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है। और ब्राह्मणास जो है वो कोई होमोजीनियस नहीं थे, अलग अलग होते हैं, जैसे हर वेद के साथ अलग अलग ब्राह्मणास हैं, टोटल 19 ब्राह्मणास अभी तक मतलब पूरे तरीके से एंटायरिटी में मतलब कि वो पूरे हैं हमारे पास, लॉस्ट नहीं है, और बाकी जो वो लॉस्ट हो चुके हैं बहुत सारे, तो जो हर वैदिक शाखा है, चार वेद हैं उनके साथ में ब्राह्मणास अटैच्ड हैं। ब्राह्मणास के अलावा जो हैं अरण्यक्स भी होते हैं, उपनिषद भी होते हैं, तो ये अटैच्ड इश्यूज हैं वेदों के साथ में। तो देखिए दो तो है ऋग्वेद के साथ जुड़े हुए, जो सबसे पहला जो है जैसे शतपथ ब्राह्मण है, ये सब कुछ है, तो ऋग्वेद के साथ जुड़े हुआ दो हैं, सिक्स छह हैं यजुर्वेद के साथ में जुड़े हुए, सामवेद के साथ में 10 जुड़े हुए हैं, अथर्ववेद के साथ में एक ब्राह्मणास अटैच्ड है, और ये इनके बारे में बताते हैं। सबसे पुराना जो है वो 900 BCE में शायद लिखा गया था ऐसा मानते हैं, और यंगेस्ट जो है जैसे कि शतपथ ब्राह्मण जो है वो यंगेस्ट है, तो ये ऐसा भी है कि बाद में कुछ पुराने वाले वेद के साथ लिखे गए थे और कुछ पहले लिखे हुए थे बाद वाले के साथ में, तो ऐसा भी है कि मतलब एक साथ नहीं लिखे गए थे, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि ऋग्वेद वाले सारे इसी टाइम पे लिखे गए थे, बाद में भी लिखे गए थे, तो ये भी माना गया है। और ये बात थी ब्राह्मणास की। अब बात करते हैं अरण्यक्स की। अरण्यक का मतलब होता है जंगल, अरण्य संस्कृत में बोलते हैं जंगल को, तो जंगल से आप इसको याद रखना कि मिस्ट्री, जंगल क्या होता है, एकदम मिस्टीरियस और एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, बहुत ही छुपी बातें होती है, सीक्रेटिव बातें होती है जंगल की, तो जंगल में ऐसे ही ये सीक्रेटिव बातों के बारे में बात करते हैं वेदों की, और अधिकतर जंगलों में ऋषि मुनि रहते थे तो वो इसके बारे में बातें करते थे, तो इसलिए भी इसका नाम अरण्यक पड़ा था, क्योंकि जंगलों के अंदर अधिकतर ऋषि मुनि जो है वो एकदम हिडन तरीके से इनके नॉलेज को और अपने शिष्यों को देते थे। तो ये फिलोसफीज के बारे में है, और जैसे ब्राह्मणास हैं बहुत सारे वेदों के साथ में अटैच, वैसे अरण्यक्स हैं कि नहीं है ये आप बताइए मुझे। नेक्स्ट, अरण्यक जो हैं वो सीक्रेट रिचुअल्स के बारे में बात करते हैं जो कि ब्राह्मणास में डिटेल्ड नहीं दिए हुए हैं, तो क्या ये सही है? अब देखिए ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा जो है वो बात करता है सीक्रेट रिचुअल्स की, तो ये अरण्यक सीक्रेट रिचुअल्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गूढ़ रहस्य वाली बातें जो होती हैं वो होती हैं, तो उसके बारे में करते हैं, और जो ब्राह्मणास में डिटेल नहीं दी हुई है उसके बारे में भी ये बताते हैं, क्योंकि ब्राह्मणास में तो सीधे सीधे रिचुअल्स हैं कि जो वेदों में लिखा हुआ, हाँ भाई ये इस तरह से करो, ये इसका रिचुअल होगा, इस देवी को ऐसे खुश करना है, इस देवता को ऐसे करना है, ये सब कुछ सीधी बात जो है वो ब्राह्मणास करते हैं, लेकिन ये गूढ़ रहस्य वाली मतलब इंटरप्रिटेशन करके और उसके अंदर कुछ और उसका क्या मीनिंग निकल सकता है वो ऋषि मुनि करते थे, और वो अरण्यक्स में लिखा हुआ है, और कई सारे अरण्यक्स नहीं होते थे हर वेद के साथ में, जैसे ब्राह्मणास हैं बहुत सारे, छह हैं, 10 हैं, 2 हैं हर के साथ में जुड़े हुए, लेकिन अरण्यक्स ऐसे नहीं होते थे, ये अलग थी कमेंटरीज, लेकिन ये फिलोसफी जो होती थी रिचुअल्स के पीछे, जो फिलोसफी होती थी उसके बारे में बात करते हैं कि भाई रिचुअल्स तो फॉलो करने हैं, वो तो ब्राह्मणास में बता दिया, लेकिन उसके पीछे फिलोसफी क्या है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, वो बात करते हैं अरण्यक्स, ठीक है। इनको फॉरेस्ट बुक्स भी बोलते थे, अरण्य जैसे मैंने बताया आपको, इजोटेरिक मतलब कि गूढ़ रहस्य वाली बातें, और ये बोलते हैं कि जैसे थिंग्स जो है वर्ल्ड के अंदर है वो जस्ट इल्यूजन है, और चीजें जो दुनिया में दिखती है सांसारिक मोह माया के पीछे में नहीं भागना चाहिए, इसके बारे में बात करती हैं, और ह्यूमन काइंड और नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं यूनिवर्स के अंदर उन सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है अरण्यक्स। और ये देखिए ये फिलोसफी बिहाइंड रिचुअल्स की बात करते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अलावा अगर बात करें दूसरे पार्ट जो कौन से हैं वेदों के, एक तो उपनिषद से जिनको वेदांग बोलते हैं, वेदों के लास्ट के अंग है जो उसकी स्पिरिचुअलिटी और एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी को बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जो एकदम भाव वाली बातें होती हैं, वही छुपी हुई बातें उनके बारे में बात करते हैं, फिलोसफीज के बारे में बात करते हैं। अरण्यक्स और उपनिषद के बारे में क्या है कि उपनिषद जो है स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी की बात करते हैं जो वेदों में लिखी हुई है, अरण्यक्स रिचुअल्स की फिलोसफी की बात करते हैं, ये आपको याद रखना है। वेद संहिताज होती हैं, संहिताज हैं मतलब कि वो भी एक इंपॉर्टेंट एक ब्रांच है उसकी, ठीक है, वो भी उसके अंदर जो रिचुअल्स हैं उसकी बात करती हैं, और जो जो लोग हैं जो उसके अंदर मतलब जो श्लोक्स वगैरह लिखे गए हैं जो उसकी नॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं वेद संहिताएं। और ब्राह्मणास जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये कमेंट्रीज होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर कमेंट्स हैं। ये देखिए सब कुछ यहाँ पे मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग इशू है। मंकी पॉक्स वायरस होता है, वायरल डिजीज है, और मंकीज अकेले रिजर्वर नहीं होते, रिजर्वर मतलब कि ये वायरस किन किन के बॉडी में रहता है, तो अकेले मंकीज नहीं है, कुछ चूहे भी होते हैं, कुछ और भी जानवर होते हैं,
मंकी बाइट से अकेला नहीं फैलता है, ये ऐसा नहीं है, ये ह्यूमन से ह्यूमंस में भी फैल सकता है। ह्यूमंस कोई बुश मीट वगैरह को अगर खाते हैं या फिर उसके टच में आते हैं, बुश मीट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अदर मैमल्स हैं, कोई सांप है, कोई जैसे मैमल्स तो दूसरी कैटेगरी होती है, रेप्टाइल्स दूसरी कैटेगरी है, रेप्टाइल्स में सांप वगैरह आते हैं, बिच्छू वगैरह आते हैं, तो अगर बिच्छू नहीं आते हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, बिच्छू आर्थ्रोपोड में आते हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, सांप रेप्टाइल्स हैं, तो मान लीजिए सांप के अंदर मान लीजिए इसके वायरस हैं, इसके अंदर तो नहीं होते हैं, लेकिन बुशमीट की बात मैं कर रहा हूं कि बुशमीट एक बड़ा वो होता है, स्प्रेड होने का एक रीजन है, तो बुशमीट में सांप का मांस आ सकता है, कोई दूसरे जानवर का मांस आ सकता है, अगर उसको काटते हैं, उसको खाते हैं, तो वहां से आपको ये लग सकता है ये वायरस। और ह्यूमंस टू ह्यूमन स्प्रेड जो है वो हो सकता है, इसके एग्जाम्पल मिले हैं, अभी जो है इंडिया में एक इंसान मिला है जो कि अफ्रीका से आया था और उसको डायग्नोस हुआ है मंकी पॉक्स वायरस, तो उसको आइसोलेट करके रखा गया है, और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, तो डी नाइन इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह की बीमारी होती है, बड़ी ही डेंजरस है, और एक स्मॉल पॉक्स पहले होता था जिसको बड़ी माता बोलते थे, और स्मॉल पॉक्स दुनिया में 1980 से ही और इरेडिकेट कर दिया गया है, और अब वो नहीं होता है, और उसका वैक्सीन होता था, वही वैक्सीन इसके लिए भी दिया जाता था, तो ये भी एक हद तक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, लेकिन इसके केस बड़े रेयरली मिलते थे, और अमेरिका में ही सॉरी अफ्रीका में ही मिलते थे, लेकिन अभी जो है हो सकता है इसका आउटब्रेक हो जाए, तो इसकी बात इसलिए आई है, तो मंकी पॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं। मंकी पॉक्स वायरस होता है और कुछ एनिमल्स हैं उनमें ये बीमारी होती है, और ह्यूमंस में भी होती है, लेकिन रेयरली होती है ह्यूमंस में, और इस तरह से होती है तो फिर ऐसी होती है, ठीक है। फीवर वगैरह, हेडेक वगैरह, मसल पेन, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, ये सब हो जाता है इसमें, और ये सिम्टम्स हैं। और देखिए रोडेंट्स हैं, नॉर्मली रोडेंट्स मतलब चूहे जो होते हैं, रोडेंट्स के ग्रुप में आते हैं, चूहे चुचुंदर ये जो होती हैं, ये रोडेंट्स के ग्रुप होते हैं, इनके अंदर जो है इसके इसका जो वायरस है वो नॉर्मली सर्कुलेट होता है, और जैसे मान लीजिए इसको आपने खाया उसके अंदर वो था तो वो आपसे आपको लग सकता है, और चिकन पॉक्स जैसे ही सिम्टम्स इसमें आते हैं, लेकिन थोड़े से ज़्यादा सीवियर होते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स से कम सीवियर होते हैं, स्मॉल पॉक्स तो बहुत ही भयंकर डिजीज होती थी, लेकिन साइंस का करिश्मा है कि स्मॉल पॉक्स जो है वो एंड हो गया। कभी पिक्चर देखना आप स्मॉल पॉक्स की जाके इंटरनेट पे, आप घबरा जाओगे, इतनी डेंजरस मतलब इंसान की हालत हो जाती थी उसमें, पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे बड़े बड़े लेजेंड्स इस तरह के लेजेंड्स होते थे, और बहुत ही सीवियर वो लगते थे, और इसमें डेथ का रिस्क भी होता है, 10% केसेस में डेथ भी हो सकती है, ठीक है। रिजर्वर्स जो हैं इतने सारे होते हैं, मंकीज भी हो सकते हैं, गैम्बियन पाउच रैट्स होते हैं, बड़े साइज के मतलब चूहे होते हैं, इन ये हो सकते हैं, डोरमाइस ये हो सकता है, और ये अफ्रीकन स्क्विरल्स गिलहरी भी हो सकती है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इसमें काम आ सकती है, और डिजीज जो है सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में मिलती है मेनली, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी इसके केसेस 70s में मिले थे, ठीक है। और गैम्बियन रोडेंट्स हैं उनके अंदर भी ये कुछ बीमारी 2003 में देखी गई थी, क्योंकि ये वहां पर कोई शॉप पे बिक रहे थे और उनमें ये वायरस देखा गया था, उससे भी कुछ लोगों में इसका आउटब्रेक हुआ था, कुछ लोगों में इसकी बीमारी आई थी, तो ये इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन धन स्कीम के रिगार्डिंग, अभी मेरा टाइम हो रहा है तो आप इसका डिटेल सारा पढ़ लेना, इसमें दिया हुआ है। देखिए स्कीम जो 2018 की है, लेकिन यूपीएससी अभी 2-2 साल पुरानी चीजें भी पूछ रहा है, ये हमको पता लग गया इस बार पेपर फिर से, और पहले कम पूछता था अभी ज्यादा चीजें पूछ रहा है, 17 तक का डिटेल इस बार पूछा है, तो 18 की स्कीम आ सकती है जरूर से, और इंपॉर्टेंट है ट्राइबल्स के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा, इसका आंसर डिटेल सब मैंने लिख रखा है। और ये लेसन आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर से बताना, इसके अंदर जितने भी इंप्रूवमेंट की नीड होगी हम सब कुछ करेंगे और डेली करेंगे। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैन।